निमाड़ी में पटवारियों ने बस्ता जमा कर शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। दरअसल प्रदेश आह्वान मध्य प्रदेश पटवारी संघ के निमाड़ी जिला अध्यक्ष मातादीन चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में निमाड़ी एवं प्रतिपुर तहसील अध्यक्षों के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिले के सभी पटवारियों ने अपने अपने बस्ते जमा कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें, पटवारियों की तीन प्रमुख मांगों में सबसे पहले 2800 ग्रेड पे व गृह जिला स्थानांतरण के साथ CPCT की अनिवार्यता समाप्त करने को लेकर लंबे समय से लगातार आंदोलन कर रहे थे। मांगे पूरी न होने पर पटवारियों ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान राम कुमार राजपूत, ओम जी रिछारिया, हरि सिंह, आनंद यादव, अजय राजपूत, राकेश त्रिपाठी, गोविंददास बेड़िया, राघवेंद्र अहिरवार, बार जयराम बंसकार, रिमझिम गुप्ता, सीता चौरसिया, नीतू दांगी, हेमलता यादव, जयंती अहिरवार, दीपिका यादव आदि पटवारी उपस्थित रहे। आपका नाम? भगवत सिंह दांगी। अच्छा, किस संबंध में आपने जो कलमबंद हड़ताल की है, क्या मांग है आपकी? मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर तहसील प्रतिनिधियों के समस्त साथियों ने आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री मातादीन चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में बस्ता जमा करके कलमबंद हड़ताल शुरू की। हमारी प्रदेश व्यापी चरणबद्ध हड़ताल लगभग 52 दिनों से चल रही है, जिसके तारतम्य में पूर्व कार्यक्रम अनुसार हम लोगों ने आज बस्ता जमा करके कलमबंद हड़ताल की। और हमारी तीन मांगे हैं, ग्रेड पे 2800 भी आ जाए, जो हमारी 23-24 साल से लगभग लंबे थे और हम एक ही ग्रेड पे काम कर रहे हैं। दूसरा, नए साथियों को गृह जिला में स्थानांतरण दिया जाए, जिससे कि वह अपने घर पर जाकर परिवार के साथ काम करें, एवं उनके कार्य में भी गुणवत्ता आएगी और जीवन शैली में बदलाव आएगा, जो सरकार कर सकती है। तीसरी चीज है, नए साथियों में से जो भी बचे हुए साथी हैं उनको CPCT से मुक्त किया जाए। यही तीन मांगे हैं हमारी। पटवारी संघ, पटवारी संघ। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के प्रांतीय आह्वान पर जिला निवाड़ी के पटवारियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से हमारी मांगे न माने जाने के कारण आंदोलन किया जा रहा है। शासन से हमारी तीन ही मांगे हैं, 2800 ग्रेड पे दिया जाए, जो हमारा वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है। दूसरा है, गृह जिले में पटवारियों के स्थानांतरण किए जाएं। तीसरी मांग है हमारी, CPTC की बाध्यता समाप्त की जाए। यही तीन मांगें हम शासन से मांग रहे हैं, जो केवल हमें आश्वासन ही दिया जाता है और हमारी मांग नहीं मानी जा रही है। इस कारण विवश होकर कि हम सभी साथी आंदोलन के लिए बाध्य हो गए हैं।